हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? मैं सर वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक जर्नी किस चीज की? सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5, दैट इज योर एडवांस अकाउंटिंग। कुछ पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट की सब्जेक्ट किस हिसाब का है और आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस हिसाब से हमें इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके चलना चाहिए और भी कुछ जनरल बातें। फिर उसके बाद मैं दूंगा आप लोगों को इस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस क्राइटेरिया, क्या क्या आपका सिलेबस है, प्लस एक मैं आज आपको एक डेमो क्लास भी दे दूंगा कि किस हिसाब से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। प्लस आप थोड़ा सा मेरे टीचिंग मेथडोलॉजी से भी फेमिलियर हो जाएंगे कि मैं किस हिसाब से पढ़ाऊंगा। अकॉर्डिंगली आप अपने क्लास का क्या ले सकते हैं सर, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए। सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे, अब देखिए कुछ बच्चों ने ग्रुप वन अकाउंट्स पढ़ लिया होगा या कुछ बच्चों ने ग्रुप वन अकाउंट्स अभी साथ साथ पढ़ रहे होंगे। आई होप डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो ग्रुप वन अकाउंट्स पढ़ने से पहले एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता। स्टूडेंट कैसे कैसे होंगे जिन्होंने ग्रुप वन अकाउंट्स पढ़ लिया होगा, और कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो ग्रुप वन के पेपर भी दे चुके होंगे, ठीक है, या फिर ग्रुप वन अकाउंट्स साथ साथ पढ़ रहे होंगे और एडवांस अकाउंट्स भी उन्होंने शुरू कर लिया होगा। तो अगर सबसे पहली चीज आपके माइंड में ये चीज है कि सर मुझे अकाउंट से लगता है डर, तो उस डर को सर आपको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर अकाउंट से अगर आप डर लोगे तो सीए कोर्स में आपको दिक्कत आएंगी, क्योंकि जो सीए का कोर्स है दैट इज कोर एरिया, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर एरिया होता है दैट इज योर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी ही पूरी जिंदगी आप लोगों को करनी है, अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, इस पे ही आपकी क्या है पूरा प्रोफेशन सारा निकल जाएगा अकाउंट्स और ऑडिट करते करते। क्योंकि सर अकाउंट्स ही एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो हर फील्ड से कनेक्टेड है। कल को अगर आप टैक्सेशन का काम करेंगे या आप टैक्सेशन पढ़ते भी हैं, उसमें भी अकाउंटिंग के प्रोविजंस कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। आप लोगों ने टैक्स में एक सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा होगा, बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन की जब आप इनकम कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेस पे होती है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे, क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए। अकाउंटिंग एंट्रीज जब आप लोगों की क्लियर होगी तभी आप क्या कर सकते हैं सर, टैक्स के भी कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है जैसे आपका ऑडिट है। ऑडिट सर किसका होता है? ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना है, उसका ऑडिट करना है, तो सर अकाउंट्स आना बहुत जरूरी है, अकाउंट्स अच्छे से आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सर अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर वैल्यूएशन, ये सब चीजें क्या है सर, अकाउंटिंग एरिया से रिलेटेड है। मतलब अकाउंट्स आपके हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है, तो अकाउंट्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपको इस एरिया से लगता है डर, तो आपको इस डर को बिल्कुल अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। और मैं आपकी पूरी गारंटी लेता हूं कि मैं ये डर अगर आप लोगों के मन में होगा अकाउंट से रिलेटेड, तो ये निकाल दूंगा, ठीक है जी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, सर अकाउंट्स तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हमें बहुत पसंद है अकाउंट्स। कोई बात नहीं सर, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत पसंद है, तो सर इसको मेंटेन रखिए, क्योंकि आप सीए फाइनल तक, इवन सीए बनने के बाद आपको ये अकाउंट से जुड़े रहना है, ठीक है जी। मतलब आप कह सकते हैं कि अकाउंट्स आपके, मतलब जैसे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड के साथ साथ आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी आपकी बॉडी में फ्लो होती रहनी चाहिए। मतलब रात को भी अगर आपसे कोई ट्रांजेक्शन पूछ ले कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, तो आप नींदों में भी उसको बता दो कि सर ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। इतना अकाउंट्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए इन योर सीए करिकुलम, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के रहते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस पेपर नंबर 5, दैट इज योर सर एडवांस अकाउंटिंग। अब सर ये एडवांस नाम है, तो क्या ये पेपर टफ है एज कंपेयर टू ग्रुप वन? क्योंकि ग्रुप वन का नाम तो अकाउंटिंग था, अब ये एडवांस अकाउंटिंग है, तो क्या ये टफ है? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। दिस पेपर इज मोर इजी देन ग्रुप वन। जो आपका ग्रुप वन का अकाउंटिंग है उससे ज्यादा आसान, उससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है सर ये एडवांस अकाउंटिंग। बस क्या है सर, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी एडवांस है लेकिन आसान बहुत है। ग्रुप वन में फिर भी आप लोगों को सर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि चैप्टर ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, इंश्योरेंस क्लेम है, ब्रांच अकाउंटिंग है, रिडेम्पशन डिबेंचर है, ये सब ग्रुप वन के टॉपिक्स हैं, इनमें माइंड लगता है ज्यादा। लेकिन जो ग्रुप टू की अकाउंट्स है वो एज कंपेयर टू ग्रुप वन आसान तो है, लेकिन इसमें क्या है सर, माइंड एप्लीकेशन
इतनी नहीं है, थोड़ी सी कम है, फॉर्मेट बेस्ड है। जैसे लिक्विडेशन आप पढ़ोगे फॉर्मेट बेस्ड है, बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे वो सर आरबीआई के फॉर्मेट बेस्ड है, एनबीएफसी के अकाउंट्स पढ़ोगे आरबीआई के फॉर्मेट बेस्ड है, अमेलगमेशन पढ़ोगे सर AS14 बेस्ड है। मतलब सारी की सारी क्या है सर, आपके पास एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर आप लोग के पास डिफाइंड है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है जी। सर हमारा जो सिलेबस है वो क्या है सर, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो हमारा सिलेबस है वो फोर फॉर्मेट बेस्ड है, कि आपके फॉर्मेट ही फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत ही कम चैप्टर्स है जिसमें आपके माइंड एप्लीकेशन है। जैसे माइंड एप्लीकेशन के लिए मेरे हिसाब से तो सर सर एक ही चैप्टर रह गया, दैट इज योर कंसोलिडेशन, जिसको आप होल्डिंग कंपनीज भी बोलते हो, तो वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कहते हैं कि अच्छी तरीके से हमारे माइंड का यूज हो जाता है। बाकी सर कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप कह सकते हो कि माइंड एप्लीकेशन है, इजी है, फॉर्मेट बेस्ड है, स्ट्रक्चर बेस्ड है। ठीक है जी सर। ओके सर, क्या एडवांस अकाउंटिंग स्कोरिंग है या ग्रुप वन से ज्यादा कंपेयर करें तो ग्रुप वन से ज्यादा स्कोरिंग है या कम स्कोरिंग है? सर मेरा मानना है कि ग्रुप वन से ज्यादा स्कोरिंग है एडवांस अकाउंटिंग, ग्रुप वन अकाउंटिंग से ज्यादा स्कोरिंग है एडवांस अकाउंटिंग। लेकिन बच्चों के सर एडवांस अकाउंटिंग में ग्रुप वन के कंपैरिजन में मार्क्स आते हैं कम। इसका कारण है, इसका कारण यह है सर, बच्चे एडवांस अकाउंटिंग को बहुत ही लीडियंट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि सर इजी है, सिलेबस थोड़ा सा कम है, तो बच्चे हो जाते हैं सर लीनियंट, लीनियंट हो जाते हैं, तो वो इसकी स्टडी अच्छे से करते ही नहीं है। वो ग्रुप टू के जो अगले आगे के सब्जेक्ट जैसे EIS है, ऑडिट है, FMEECO है, तो सर इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा लग रहता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो EIS और ऑडिट में ज्यादा लग रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि सर इसमें बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, इसमें फेल ज्यादा होते हैं, तो इसमें मेहनत ज्यादा लगाए जाते हैं, और एडवांस अकाउंटिंग को थोड़ा सा साइड कर देते हैं कि अकाउंटिंग ही तो है, हो जाएगी। सर यही कारण रहता है कि आपके एडवांस अकाउंटिंग में मार्क्स रह जाते हैं कम। अगर आप ग्रुप वन अकाउंटिंग में ले आओगे 80 नंबर, तो सर मैंने देखा है एडवांस अकाउंटिंग में बच्चा 60, 65, 70 इतने तक ही झूल रहा होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो ग्रुप वन में जो अगर आपके 80 नंबर अकाउंटिंग में आ रहे, तो अगर उतनी ही मेहनत आप ग्रुप टू के एडवांस अकाउंटिंग में कर दोगे सर, आप 90 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो इन योर ग्रुप टू अकाउंट्स। इजी है स्कोर करना, प्रोवाइडेड आप लोग हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आता है सर सिलेबस कैसा है, सिलेबस कम है, ज्यादा है? देखिए अब कुछ अमेंडमेंट आ गई है May 20 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स, अब कुछ अमेंडमेंट आ गया। अच्छा जो मेरी क्लासेस है दैट इज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम May 20 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स, May 20 के बाद या May 20 वाले बच्चे भी इसको इजीली देख सकते हैं। सर क्या स्कोरिंग अपना सिलेबस कम है या ज्यादा है? देखिए अगर मैं May 20 से पहले अटेम्प्ट की बात करूं, November 19 तक की बात करूं, तो सिलेबस होता था सर कम, लेकिन अब May 20 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग को बिल्कुल बराबर लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया। पहले क्या होता था, अकाउंटिंग का सिलेबस एडवांस अकाउंटिंग से थोड़ा सा ज्यादा होता था और एडवांस अकाउंटिंग का कम होता था, इसलिए बच्चा लीनियंट हो जाता। अब क्या किया उन्होंने, अकाउंटिंग का सिलेबस ज्यादा ना रखे, उन्होंने अकाउंटिंग में से कुछ सिलेबस को लाइट किया और कुछ टॉपिक्स को उठाकर किसमें डाल दिया जी, एडवांस अकाउंटिंग में डाल दिया। अब आप कह सकते हो कि सर दोनों का सिलेबस क्या है, लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी ग्रुप टू एडवांस अकाउंटिंग अभी भी ज्यादा स्कोरिंग है। सिलेबस अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, थोड़ा सा बराबर लाने की कोशिश करी। ठीक है जी। सर और भी एक क्वेश्चन आता है सर, क्या हम अकाउंटिंग पहले पढ़ें या एडवांस अकाउंटिंग पहले पढ़ें? ये आता है कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन। देखिए सर अकाउंटिंग की ऑब्वियसली आप पहले पढ़ोगे, अकाउंटिंग के बिना अगर आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ने की कोशिश करोगे तो सर एडवांस अकाउंटिंग में दिक्कत आएगी। आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन शायद कोई पूछता भी होगा, बहुत ही कम स्टूडेंट्स है जो ये पूछते हैं कि सर एडवांस अकाउंटिंग पहले पढ़ लेता हूँ। सर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकते। अकाउंटिंग पढ़ो, वहां से बेस स्ट्रॉन्ग करो, उस बेस को जाकर सर अप्लाई करो किसमें, एडवांस अकाउंटिंग में। या आप एक चीज कर सकते हो, साथ साथ दोनों पढ़ सकते हो, कि अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो, साथ साथ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों में से प्रायोरिटी देखोगे तो सर पहले आपको अकाउंटिंग पढ़नी चाहिए, उसके बाद आप एडवांस अकाउंटिंग पर आओगे। मैं भी जनरली यही रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप मेरी अकाउंटिंग की क्लास ले लीजिए, उसके बाद आप सेम ही टाइम पे एडवांस अकाउंटिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। चलिए और सर क्वेश्चन आता है हमारे पास सर कोर्स ड्यूरेशन, कि सर कोर्स ड्यूरेशन क्या अकाउंटिंग से ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? देखिए सर अकाउंटिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैं 2-2 आवर्स के लगभग 70-75 लेक्चर्स लगा देता हूँ, 70-75 लेक्चर्स हमारे 2-2 घंटे के लग ही जाते हैं। और एडवांस अकाउंटिंग को कंप्लीट करने में पहले तो सर मैं कोशिश करता था 60, मैक्सिमम 60 तक कोर्स कंप्लीट कर देता था, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों के सिलेबस को बराबर कर दिया, तो अब ऑन एन एवरेज दोनों ही अकाउंटिंग में मैं लगभग 70-70 लेक्चर्स लगा के चल रहा हूं। लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें 10-20% का मार्जिन आप रख के चलना, लगभग इसके हिसाब से हमारा ड्यूरेशन रहती है।
सर जो हमारा एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस है ये किस टाइप का है, ये किस चीज पर ज्यादा बेस्ड है? सर हमारा जो एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस है ये एएस पे ज्यादा फोकस रखता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवांस अकाउंटिंग में है सर टोटल 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और अगर मैं ग्रुप वन की बात करूं तो मेरे ख्याल से 7 या 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आई थिंक 6 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। लेकिन अगर मैं ग्रुप टू एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं सर, एडवांस अकाउंटिंग में टोटल 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और इन 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आप मान के चलिए सर इंस्टीट्यूट 40 से 45 नंबर का पेपर पूछ लेता है। इसलिए सर एडवांस अकाउंटिंग में एएस के ऊपर फोकस्ड ज्यादा किया जाता है, और एएस के साथ साथ जो हमारा मेजॉरिटी पोर्शन है एडवांस अकाउंटिंग है दैट इज योर कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कॉर्पोरेट समझते हो, कंपनी अकाउंट्स, की कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, की कंपनीज की अकाउंटिंग किस हिसाब से होनी है, वो सारी चीजें ज्यादा रिलेटेड है। इसलिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये थोड़ा फॉर्मेस बेस्ड पेपर है, यहाँ पर आपको कंपनीज एक्ट को एडहेयर करके चलना पड़ेगा, उस पर ज्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारी कुछ एक जनरल बातें थी। अब आती है सर हमें पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए। देखिए जो आप मेरी क्लासेस लोगे, आप क्लासेस देखोगे, जो जो क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट्स पहले आप लोगों को लिखाऊंगा। अच्छा, आपको दो रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए, एक आपका एक्सक्लूसिवली फॉर कॉन्सेप्ट्स और एक आपका एक्सक्लूसिवली फॉर क्वेश्चन, और एक एडिशनल रजिस्टर जरूर मेंटेन करके चलना सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। मैं ग्रुप वन में भी यही बोलता आ रहा हूँ सर, एएस के लिए आपको एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करके चलना चाहिए, उसके सर बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर वन सर, एएस आपके सारे एक ही जगह पर हो जाएंगे, और इवन जो आपने ग्रुप वन का एएस रजिस्टर बनाया होगा और किसने मुझसे क्लास ली होगी, तो ग्रुप टू के सर एएस को भी आप उसी रजिस्टर में कंटिन्यू करके चलिएगा। प्रोविजंस प्रोविजंस होंगी, क्वेश्चन के लिए तो सर अलग रजिस्टर रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, एक तो एएस आपके एक ही जगह पर हो गए, प्लस जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज योर ऑडिटिंग, उस ऑडिटिंग के पेपर में भी सर एएस के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, AS 4 AS 5 AS 29 AS 18। अभी रिसेंट पेपर में सर November 19 के क्वेश्चन में सर AS 18 से क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही सारे बच्चे सर उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन सर AS 18 का वो क्वेश्चन था। तो सर उससे आपको ऑडिट में भी मदद मिलेगी, अगर आपको ऑडिट में सर 2 3 2 घंटे लगा के AS ही पढ़ने हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक कॉपी रहेगी, इजीली उसमें से आप गो थ्रू कर सकते हो। प्लस जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे आर्टिकलशिप में, तो सर वहां पर AS बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर कोई आपसे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वहां पर AS में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो आप अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करने से पहले उस AS के रजिस्टर को इजिली पढ़ सकते हो, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि AS का रजिस्टर आप लोग को एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके चलना चाहिए। उसके साथ एक हमारा कॉन्सेप्ट्स का रजिस्टर रहेगा जिसमें आप चैप्टर वाइज अपने कॉन्सेप्ट्स लिखते रहेंगे, प्लस एक रजिस्टर रहेगा जिसमें आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये तो चीज मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराया करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप घर पे खुद करेंगे। आपको क्या करना होगा, जैसे भी जो भी आपने मेरी क्लास ली उसके बाद सेम डे पे या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट डे पे आपको उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना है प्लस होमवर्क करना है। दिस इज योर फर्स्ट रिविजन, मैं इसको पहली रिविजन बोलता हूँ, जो आप साथ साथ क्वेश्चंस करते हो दैट इज योर फर्स्ट रिविजन। जो मैंने क्वेश्चन क्लास में करा दिया सर वो भी आपको रिपीट करना है एक बार, तभी वो आपकी फर्स्ट रिविजन मानी जाएगी। वो जब आप खुद करोगे आपको उसमें से वो एरिया को सेलेक्ट करना है या वो क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको आ रही है दिक्कत, जरा सी भी दिक्कत आए उसको सर मार्क कर लो, या फिर अगर आप एक चेकलिस्ट बनाना चाहते हो, एक नोटपैड बनाना चाहते हो, तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिख दो कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन चैप्टर आप कर रहे हो तो लिक्विडेशन में क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत आई, 4 में दिक्कत आई, 7 में दिक्कत आई, 9 में दिक्कत आई, 10 में दिक्कत आई, आपने 5 क्वेश्चन निकाल लिए। चाहे आपको एक छोटे से पॉइंट में दिक्कत क्यों ना आ रही हो सर उसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, पूरा क्वेश्चन नहीं निकला तो एटलीस्ट उस पॉइंट को लिख लो, ये आपकी फर्स्ट रिवीजन होगी। सेकंड रिवीजन में, सेकंड रिवीजन आपको कब करनी है, जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी। क्लासेस ओवर होने के बाद जब आप सेकंड रिवीजन उठाओगे उसमें आपको क्या करना है सर, चैप्टर वाइज कंसेप्ट उठाने हैं दोबारा, एक बार कंसेप्ट को रीड करना है, और ये जो 5 क्वेश्चन आपने शॉर्टलिस्ट करे थे इनमें से इन 5ों को आपको दोबारा क्या करना है सर, रिपीट करना है, हैंड रिटन प्रैक्टिस रिपीट करके देखना है, दोबारा सॉल्व करना है। अब क्या होगा, इन 5 में से सर आपकी गलतियां, जो आपकी दिक्कत आ रही थी वो सर खत्म होने की, मैं ये नहीं कह रहा 100% खत्म हो जाएंगी, उसमें काफी हद तक खत्म हो जाएंगी, और 5 में से सर 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बच गए सर 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप लेके जाओगे सर फॉर थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन कुछ टाइम के बाद, जब आपने सेकंड रिवीजन कंप्लीट करी फिर आपने कुछ गैप दिया क्योंकि सर और भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, थर्ड रिवीजन में फिर दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा सर, कंसेप्ट उठाने हैं, उसके बाद
कंसेप्ट के साथ साथ वो जो दो क्वेश्चन आपके बच गए थे जिसमें आपको दिक्कत आई थी सर, उन दोनों क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके सर सारे के सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इवन एक से जो भी आपको दिक्कत आई थी वो सर तीन तीन बार आपका सॉल्व हो गया। और जो गलतियां आपकी सर होती थी वो गलतियां गारंटी दे रहा हूं सर आपकी रिपीट नहीं होंगी, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपको क्या करनी चाहिए सर, रिवीजन करनी चाहिए। ये एडवांस अकाउंटिंग की भी, इवन ग्रुप वन अकाउंटिंग की भी आप इस हिसाब से रिवीजन कीजिए। इवन जो आपके और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएमएनई को, इन सब्जेक्ट्स की भी, टैक्सेशन की, इन सब्जेक्ट्स की भी आप इसी तरीके से रिवीजन कर सकते हो। और बाद में सर आपको तीन तीन घंटे के एटलीस्ट दो से तीन पेपर जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है जी, वैसे ये तो हमारे बैच एंड होने की बातें हैं, लेकिन मैं फिर भी स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सर हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्या हमारा सिलेबस है, और आज आप डेमो क्लास में क्या चीजें कराओगे, अब मैं उस पर आऊंगा। अब आई डोंट थिंक सो कि क्या कोई पॉइंट आपके माइंड में बचा होगा। मेरे हिसाब से जो जो मेरे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब सर ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, स्टडी मटेरियल सर हमें कौन सी बुक रेफर करनी है, मैं सर आप लोगों को खुद बुक दूंगा, खुद बुक दूंगा, लेकिन मैं सर झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। मेरी जो बुक है वो सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर ही बेस्ड है, मैंने कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं निकाले, सिंपली बोल रहा हूँ सर। कोई भी अगर आपको टीचर बोलता हो ना कि बाहर के क्वेश्चन है, सर कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं है, हर टीचर की बुक में सर इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीबी के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, अपना ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन, सर सारे के सारे मिल जाते हैं। मेरी बुक में भी सर यही है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर्ड है, इंस्टीट्यूट के दो तीन अटेम्प्ट की आरटीबी, दो तीन अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर, ये सर सारी चीजें कंपाइल करके मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इसलिए ये देखिए मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इस बुक का नाम ही मैंने क्या रखा है सर, कंपाइलेशन। ये मेरी खुद की बुक नहीं है सर, ये कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही मैंने आपको कंपाइल करके दे दिया। बस अब आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी, आपको अलग अलग स्टडीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा डेटा एक ही जगह पर एक ही बुक में मिल जाएगा। क्लियर है जी? ओके, तो ये कुछ हमारी जनरल बातें थी अबाउट एडवांस अकाउंटिंग। अब हम आएंगे सर हमारा पेपर पैटर्न किस हिसाब का होता है और हमारा सिलेबस कैसे है, और हम अब अपनी आज की डेमो क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, हाँ जी, अब देखते हैं जी। देखिए पेपर नंबर 5, दैट इज योर एडवांस्ड अकाउंटिंग। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। चलिए सर पहले डिस्कस करते हैं हम अपना पेपर पैटर्न, कि हमारा पेपर पैटर्न किस हिसाब का रहेगा। पेपर पैटर्न देखिए सर, हमारा जो पेपर पूछा जाता है वो लगभग 120 नंबर का पेपर पूछा जाता है, 120 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। उसमें सर आपके 7 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इन 7 में से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये दिस इज योर कंपलसरी क्वेश्चन। और ये कंपलसरी सर कहां से आता है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होता है ये वाला आपका क्वेश्चन, तो एएस तो सर आप छोड़ ही नहीं सकते, कंपलसरी क्वेश्चन है। उसके बाद सर अपने जो 6 क्वेश्चंस बचे, इन 6 में से आपको सर एनी 5, कोई भी 5 करने हैं, 16 मार्क्स ईच। हाँ जी, इन 6 क्वेश्चन में से सर आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, हर क्वेश्चन आपका सर 16 16 नंबर का होगा। अब ये 16 नंबर का सिंगल क्वेश्चन भी होता है सर, इसमें पार्ट्स भी होते हैं, 8 8 नंबर के 2 क्वेश्चन, 10 और 6 का, 12 और 4 का, वो डिपेंड करता है सर किस हिसाब से पेपर बन रहा है। ये जो सर आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है, इस 7th क्वेश्चन में अगेन सर आपके 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स इनटू 4 मार्क्स ईच, और इन 5 पार्ट्स में से सर आपको कितने करने होंगे, एनी 4, 4 पार्ट्स करने होंगे। 5 पार्ट्स इंस्टीट्यूट पूछेगा सर 4 4 नंबर के, इसमें से कोई भी आपको 4 करने होंगे, और इस 5 पार्ट में से सर पास्ट एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि सर 2 क्वेश्चन एएस के आते हैं, 2 क्वेश्चन सर एएस बेस्ड होते हैं, क्योंकि सर एएस ज्यादा है ग्रुप 2 में, तो सर एएस बेस्ड हमारे क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो सर अगर एवरेज निकाली जाए तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से पेपर पूछा जाता है दैट इज सर 42
50 मार्क्स। अब 40 से 50 नंबर का पेपर कह सकते हैं सर, एएस बेस्ड हो जाएगा, और बाकी सर आपके रिमेनिंग चैप्टर। सर देखिए रिमेनिंग चैप्टर तो बहुत सारे हैं। हाँ जी सर, बाकी जो आपका पेपर पूछा जाएगा वो रिमेनिंग चैप्टर से पूछा जाएगा, और एएस में से 40 से 50 नंबर का पेपर है, और 13 एएस में से सर 40 से 50 नंबर का पेपर है। तो आप लगा के चलिए सर, हर एएस पे क्वेश्चन आता ही आएगा, आता है ठीक है सर, चार पांच नंबर का सर मोस्टली आपका हर एएस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सर आपको अच्छे से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके जाने हैं, ठीक है जी सर। ओके, अब बात आती है सर हमारा सिलेबस, कि हमारा सिलेबस किस हिसाब से डिफाइंड है। देखिए मैंने सिलेबस को आपके 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपने सिलेबस को हमने सर 5 पार्ट्स में ब्रेक किया। पहला पार्ट सर हमने रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस, इसमें आपसे AS 4, अब मैं पूरे पूरे नाम नहीं लिख रहा, AS 4 का नाम है सर कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई इवेंट हो जाता है, बैलेंस शीट डेट के बाद बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनल अकाउंट्स, उस बीच में अगर कोई इवेंट होता है तो उसको सर बैलेंस शीट डेट पर किस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, किया जाएगा भी या नहीं किया जाएगा, दैट इज योर AS 4। उसके बाद आता है सर AS 5। AS 5 है सर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब सर नाम इतना बड़ा है लेकिन एएस बहुत छोटा है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। कि सर फॉर द पीरियड, अगर ड्यूरिंग द पीरियड का हमें नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना है वो किस हिसाब से निकाला जाएगा, क्या हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, क्या हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, प्रायर पीरियड आइटम्स जैसे प्रायर पीरियड एक्सपेंस, प्रायर पीरियड इनकम, ये क्या होती है, कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड सर अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, AS 5 क्या है, ठीक है जी। उसके बाद सर आता है हमारे पास AS 7। AS 7 फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी। उसके बाद आता है सर हमारे पास AS 9। AS 9 इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट AS 9 दैट इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मैं अपनी डेमो क्लास में भी सर आज आपको इसी से ही शुरुआत कराऊंगा, कि सर ये AS बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं कुछ जमाने पहले सर ग्रुप 1 में हुआ करता था, फिर इंस्टीट्यूट ने सर इसको ग्रुप 2 में डाल दिया, लेकिन सर मेरे हिसाब से ये AS सबसे पहले पढ़ना चाहिए, AS 1 पढ़ना चाहिए वैसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह, लेकिन सर AS 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AS 9 तो सर अकाउंटिंग का बेस है कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि हर बिजनेस में रेवेन्यू तो हो गई, रेवेन्यू नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो हमारा AS 9 बताता है, दैट इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है जी AS 9। उसके बाद सर AS 17, ये ग्रुप 1 में हुआ करता था पहले, अब ग्रुप 2 में आ गया, दैट इज योर सेगमेंट रिपोर्टिंग, कि क्या रिपोर्टेबल सेगमेंट है, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सब एक छोटा सा AS है। उसके बाद AS 18 रिलेटेड पार्टी सर रिलेशनशिप्स, कि कौन सी पार्टीज आपस में रिलेटेड होती हैं, अगर रिलेटेड है तो क्या उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, AS 18 बताता है। AS 19 एंड AS 20, ये सर दो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कोर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS 19 सर लीज अकाउंटिंग एंड AS 20 इज योर EPS। ये थोड़े सर बच्चे इनमें कंफ्यूज भी रहते हैं, थोड़े टेक्निकल AS भी कहते हैं सर, लेकिन टेक्निकल नहीं है, बहुत ही आसान है, AS 19 एंड AS 20। उसके बाद हमारे पास है AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये पहले ग्रुप 1 में था, लेकिन सर ग्रुप 1 में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे इस AS से, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसे ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जैसे डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ये किस हिसाब से बनाया जाएगा, ये सब चीजें वगैरह, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस, ये सब चीजें इसमें डिफाइंड है AS 22। AS 24, AS 24 इज योर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कि अगर कोई बिजनेस बंद होने जा रहा है तो क्या बंद होने के बाद इन्फॉर्म किया जाएगा, या बंद होने के प्रोसेस में ही सर इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ये सब AS 24 में लिखा हुआ है, एक थ्योरेटिकल AS है। उसके बाद हमारे पास AS 26, दैट इज योर इनटेंजिबल असेट्स, की इनटेंजिबल असेट्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैसे अमोर्टाइज किया जाएगा। इनटेंजिबल असेट्स आपने कई बार सुने होंगे, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, इन सबको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, AS 26। एंड लास्ट इज योर AS 29, दैट इज योर प्रोविजन कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये जनरली जो AS 29 होता है वो AS 4 के साथ ही पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको AS 4 और AS 29 को हमेशा साथ में ही पढ़ते हैं। इवन मैं कहता हूँ सर AS 5 भी साथ में पढ़ा जाता है, तो ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एक साथ पढ़े जाएंगे, AS 4, 29 एंड AS 5।
अब बहुत ही सिंपल एएस है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता ही पूछता है, और बच्चा पढ़ के ही नहीं जाता थ्योरेटिकल समझ के, या ये सोच के ओवर कॉन्फिडेंस में आके सर ये तो हो ही जाएगा, गड़बड़ी कर जाता है। ठीक है जी, ये हमारा सर एएस बेस्ड है, जिसका मैंने बताया आपको 40 से 50 नंबर का पेपर। लेकिन सर इसमें मैं 40 से 50 में एक AS 14 है, अमेलगमेशन का भी मैंने लिखा नहीं है, AS 14 है अमेलगमेशन का, वो भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ इस 40 to 50 मार्क्स में, क्योंकि सर वो भी हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, उसको चैप्टर का नाम दे दिया है, लेकिन वो है सर AS 14 पूरा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर मतलब सर इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ईसॉप्स, अकाउंटिंग फॉर ईसॉप्स की, ईसॉप्स वगैरह की, ऑप्शन प्लान्स वगैरह की कैसे अकाउंटिंग करी जाएगी, ईसॉप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सर बायबैक, कंपनी अपने सिक्योरिटीज को, शेयर्स को बायबैक करती है, कंपनी लॉ के प्रोविजन वगैरह सर सेक्शन 73 वगैरह, ये सब बायबैक की बातें करता है, इस बायबैक को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, छोटा सा चैप्टर है, ये हम डिस्कस करेंगे कि सर अगर कोई कंपनी अपनी डिफरेंशियल राइट, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर की राइट क्या होती है सर, वोटिंग राइट्स होती है, क्या उनको कोई और एडिशनल राइट्स भी दिया जाता है सर, उसके बारे में बात करी जाएगी कि किस हिसाब से शेयर होल्डिंग डिसाइड होती है, ESDR। उसके बाद सर एक और छोटा चैप्टर है, दैट इज योर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। सर ये छोटा है, बिल्कुल सर छोटा है, क्योंकि सारा का सारा फॉर्मेट बेस्ड है, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, लेकिन सर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान चैप्टर है लिक्विडेशन। ये जो जितने भी मैंने आपके 4 चैप्टर लिखे हैं सर, बहुत छोटे छोटे और इजी चैप्टर है, ये हमारे अगले पार्ट में आते हैं। उसके बाद सर मैंने थोड़े एक ग्रुप बनाया सर, किसका, जो चैप्टर्स हमारे आरबीआई रेगुलेशन के बेस पर चलते हैं, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर हैं सर, बैंकिंग कंपनीज की, बैंकिंग कंपनीज के अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, एंड एनबीएफसी, एनबीएफसी की अकाउंटिंग किस हिसाब से करी जाएगी, ये हमारा आरबीआई की रेगुलेशन या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनके ऊपर बेस्ड चैप्टर्स है। ठीक है जी सर, ये भी मैं कह सकता हूँ फॉर्मेट बेस्ड है। उसके बाद सर मैंने एक ग्रुप बनाया किसका, अमालगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये जो अमालगमेशन है सर, दिस इज योर AS 14, AS 14 है, जो कि अगेन सर 40 to 50 मार्क्स में मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन सर 16 मार्क्स का आता है, 16 तो नहीं कह सकते, मतलब 10 से 16 नंबर, 8 से 16 नंबर का क्वेश्चन कह सकते हैं सर, AS 14 में से पूछा जाता है। इन दोनों को इकट्ठे इसलिए रखा क्योंकि ये दोनों चैप्टर सर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अमेलगमेशन मींस सर अगर कोई 2 कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बन रही है, या कोई कंपनी एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो अकाउंटिंग किस हिसाब से करी जाएगी इन द बुक्स ऑफ बोथ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कोई नई पार्टी कंपनी, नई कंपनी किसी को खरीद नहीं रही या वो टूट नहीं रही, वो इंटरनली क्या हो रही है सर, ठीक हो रही है। जैसे ऑपरेशन होता है ना सर, ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है सर, क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रही है सर, अपने एसेट्स वगैरह को सर बेच रही है, पैसे की जरूरत है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, दिस इज योर अमेलगमेशन। ठीक है सर, उसके बाद सर यहां पर मैं नीचे कर देता हूँ सर, 2 पार्ट्स और है मेरे पास, एक पार्ट है सर कंसोलिडेशन, जिसको आप होल्डिंग कंपनीज भी कहते हो, कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन भी हमें पढ़ना है। कंसोलिडेशन में अब हमारे पास सर, पहले ये कंसोलिडेशन सीए फाइनल में वो करता था बहुत डिटेल्ड में, लेकिन अब इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में डाल दिया गया कंसोलिडेशन को, लेकिन जितना सीए फाइनल में था उतना नहीं है, उससे बहुत ही कम है, क्योंकि यहां पर आपसे सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, बिटवीन 2 सब्सिडरीज हमारे पास काम होगा, एक होल्डिंग एक सब्सिडरी, चेन होल्डिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, मल्टीपल सब्सिडरीज का कोई कंसेप्ट नहीं है, मल्टीपल डेट ऑफ एक्विजिशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सिंपल सर एक होल्डिंग है एक सब्सिडरी है, इस दिन पे शेयर्स खरीदे गए हैं, इस दिन पे इन्वेस्टमेंट करी गई है, तो सर किस हिसाब से काम होगा, प्लस रेलेवेंट एडजस्टमेंट। हाँ मैं इस चैप्टर को कह सकता हूँ सर 100% माइंड एप्लीकेशन, इसमें सर माइंड पूरा लग जाता है, लेकिन सर है बहुत आसान, है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान, माइंड ज्यादा चाहिए। ठीक है जी, कंसोलिडेशन। उसके बाद जो हमारा ग्रुप 1 से चैप्टर उठ के आया, दैट इज बहुत प्यारा चैप्टर है सर, इसको हम नाम देंगे, एक मिनट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो आपकी पार्टनरशिप हुआ करती थी ग्रुप 1 में, वो अब शिफ्ट हो गया ग्रुप 2 में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपके पास क्या है, डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन के बाद सर
अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स है। अब देखो अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज भी है, अमेलगमेशन ऑफ फर्म भी है, व्हाट अ ब्यूटी सर। अमेलगमेशन सब कुछ ही आपको ग्रुप टू में पढ़ना है। पहले क्या होता था, अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स तो ग्रुप वन में था, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज ग्रुप टू में था। सर अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स में बच्चा दिक्कत ही करता रहता था, क्योंकि उसको AS14 तो पढ़ा ही नहीं उसने, AS14 तो जाके पढ़ना है ग्रुप टू में। तो सर अमेलगमेशन की पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाती थी, लेकिन अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया, अमेलगमेशन हो गया, सेल ऑफ फर्म की एक फर्म बिक गई, सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, किसी कंपनी ने फर्म को टेक ओवर कर लिया। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इसकी भी आएंगे हमारे पास। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन की बिजनेस पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो कैसे कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है, गार्डनर वर्सेस मरे रूल, ये सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद सर हमारे पास एलएलपी बेस्ड अकाउंटिंग भी है, एलएलपी की अकाउंटिंग। एलएलपी की अकाउंटिंग में कोई आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका एक थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है 5 नंबर का, वो भी सर हमें करके चलना है। ये आपका एक सिलेबस है कि किस हिसाब से हमारा सिलेबस डिफाइंड है। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। आई होप आपको ये सिलेबस क्लियर हुआ होगा। बताइए जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। तो अब जो हमारी आज की क्लास है, जिसे हम डेमो क्लास का नाम दे रहे हैं, दैट इज योर AS9। AS9 से हम शुरुआत करेंगे अपनी क्लास को कि AS9 क्या कहता है। तो लिखेंगे सर हमारे साथ सर। अच्छा एक चीज क्लियर कर लेना, जो हमारी रेगुलर क्लास रहेगी उसमें मैं ये सारी चीजें दोबारा बताऊंगा। ये सारी चीज जो भी अब तक मैंने आपको बताई है कि कैसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से एडवांस अकाउंट्स की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आती है सामने, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा। ये जस्ट सर एक वीडियो है ताकि आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले पाए क्लास स्टार्ट करने से पहले। ठीक है जी, तो अब हम हेडिंग डालेंगे AS9। हाँ जी, AS9 दैट इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देखिए सर कुछ भी नहीं लिखना, आपको कोई नोटिंग अभी कुछ नहीं करनी है, सिर्फ सुनना है। ये वीडियो का पर्पस कुछ नहीं है, ये मैं आपको इसलिए मैंने बोला कि ये सारी चीजें मैं आपको रिपीट करूंगा, लिखेंगे आप सब रेगुलर क्लास में, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या करना है, सुनना है, दैट्स इट। ठीक है जी, तो अब सुनना स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज AS9? AS9 क्या कहता है? देखिए सर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा AS के बारे में बता देता हूँ। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? आप लोगों ने ग्रुप वन में भी थोड़ा बहुत देखा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, इवन आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन अगर देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि क्या है सर, लिखित में है, इश्यूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। मुझे बताइए इंडिया में एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है? इंडिया में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इवन ऑडिटिंग भी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट कौन सी बॉडी करती है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपका ICAI। ICAI इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया विच रेगुलेट्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इश्यू करता है सर? ICAI। और साथ साथ ऑडिट में होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कोड ऑफ एथिक्स, वो भी कौन इश्यू करता है सर? ICAI। दिस इज योर एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। तो क्या देखा हमने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी विच कवर द एस्पेक्ट ऑफ, किस चीज का एस्पेक्ट कवर करती है सर? चार एस्पेक्ट कवर होते हैं हमारे पास, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये चार एस्पेक्ट है, आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठाएंगे सर उसमें ये चार बातें कवर्ड होती हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड, किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के सर के लिए सर हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉनिटरी टर्म्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग मॉनिटरी टर्म्स में होगी। तो रिकॉर्ड करने के लिए सर मेजरमेंट होनी चाहिए, मेजरमेंट भी कवर है, मेजरमेंट मीन्स मॉनिटरी टर्म्स में उसको कैसे कवर किया जाए। प्रेजेंटेशन सर उसको फाइनल अकाउंट्स में, क्योंकि सर प्रेजेंटेशन किसमें होती है, फाइनल अकाउंट्स में होती है। डिसीजन किस कौन लेता है सर? यूजर लेता है। यूजर क्या देख के डिसीजन लेता है? यूजर सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के डिसीजन लेता है। तो सर प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट्स किस हिसाब से होगी? और सर अपने नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में या अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में हम क्या क्या बातें डिस्क्लोज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर कोई भी आप AS फॉलो कर रहे हो तो उसमें लास्ट में लिखी होती है सर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि इस AS को फॉलो करते समय आपको ये सब बातें तो डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी है। तो ये चार एस्पेक्ट कवर होते हैं। तो दोबारा देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी विच कवर द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन,
मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ एनी ट्रांजेक्शन और इवेंट। क्लियर है जी? तो ये हमारी क्या है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन। कौन इशू करता है? ICAA। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन है। अब हम आ रहे हैं अपने स्टैंडर्ड पे, दैट इज योर AS 9, दैट इज अकाउंट रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एक सेकंड, इसको रब कर दूं मैं। हाँ जी, आई सर, अब देखते हैं AS 9। हाँ जी, AS 9 दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? अगर हम देखिए, कुछ लिखना आपको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। ठीक है जी, रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल्स। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम तीन पार्ट सर, अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस एंड थर्ड इज योर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू मींस इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का आना, या फिर किसी रिसीवेबल का आना। सर, कैश का आना तो समझते हैं, पैसा आ गया, गुड्स को बेचे पैसा आ गया, वो रेवेन्यू है। ओके, रिसीवेबल का आना मतलब गुड्स को बेचे लेकिन कैश नहीं आया, एक क्या आ गया आपके पास, एक एसेट क्रिएट हो गया, एक डेटर क्रिएट हो गया, एक रिसीवेबल आ गया। जैसे क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल में क्या होता है सर, कैश तो आता नहीं है, गुड्स को बेचा और आपके सामने क्या आ गया, एक डेटर क्रिएट हो गया, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ गया, एक डेटर आ गया। वो डेटर के आने को भी हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। क्योंकि सर, अगर सिर्फ मैं कैश की बात करूंगा तो ये तो एक्रूवल कंसेप्ट के अगेंस्ट चला गया। और दूसरी चीज क्या, अगर मैं इसी पॉइंट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करने जाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा कि सिर्फ कैश आएगा तभी मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, तो सर बुक्स में कभी भी डेटर्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास कैश का आना हो या रिसीवेबल का आना हो, किस से, गुड्स को बेचने से, सेल ऑफ गुड्स से, सर्विसेज को रेंडर करने से, या फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी से, दिस इज योर रेवेन्यू एज पर AS 9। AS 9 रेवेन्यू क्या बोलता है? AS 9 कहता है रेवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल थ्रू सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। अगला वर्ड है सर रिकॉग्निशन। व्हाट डिड यू मीन बाय रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन का मतलब होता है सर टाइमिंग टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू। टाइमिंग टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू, कि जो हमने ये रेवेन्यू देखा इसको कब रिकॉर्ड करना है, इसका क्या टाइमिंग रहेगा, दैट इज मीन बाय रिकॉग्निशन। यानी कि अगर पूरा AS 9 का मतलब मैं देखूं तो AS 9 बताएगा कि सर रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, कवर्ड है AS 9। ठीक है जी, अब हमें तीन चीजें यहां पर देखनी है कि सेल ऑफ गुड्स है तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज रेंडर करिए तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है या रॉयल्टी मिली है तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा। ये तीन एस्पेक्ट हमें यहां पर कवर करके चल रहे हैं। इन तीनों एस्पेक्ट से पहले एक कॉमन पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले देर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। यानी कि चाहे वो गुड्स को बेचा जाए, चाहे वो सर्विसेज को रेंडर किया जाए, चाहे वो इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टी हो, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी नहीं किसकी सर, अनसर्टेनिटी एज टू अमाउंट एंड इट्स कलेक्शन, अमाउंट के मिलने की। क्योंकि अगर आपने गुड्स को बेचा और आपको पता है कि पैसा आना ही नहीं है तो वो रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। मींस आपने किसी को गुड्स सेल करे और जब आपने सेल करा और आपको पता है कि भैया वो पर्सन की कैपेबिलिटी नहीं है, वो पे ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। अनसर्टेनिटी इनिशियली प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सर अगर मान लो हमने गुड्स बेच दिए और पर्सन बाद में इंसॉल्वेंट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो अनसर्टेनिटी बाद में अराइज हुई है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के बाद। अगर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के बाद अनसर्टेनिटी अराइज होती है, दैट इज कवर्ड इन AS 4। उसमें हम क्या करते हैं सर, प्रोविजन बना देते हैं फॉर बैड डेट्स, बनाते हैं ना सर,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दैट इज कवर्ड इन योर AS 4। तो हमने सबसे मेन पॉइंट यहां पर क्या देखा जो तीनों में एप्लीकेबल होगा, देर इज नो अनसर्टिनिटी एज टू द कंसिडरेशन एंड इट सिलेक्शन। कंसिडरेशन के रिगार्डिंग और उसकी कलेक्शन के रिगार्डिंग अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए, यह पॉइंट तीनों में कॉमन रहेगा। ठीक है जी, अब उसके बाद आता है, हम तीन एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हो जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन आती है सर, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू बायर। ओनरशिप इज ट्रांसफर टू बायर, जब गुड्स भेजे तो सर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए। सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है सर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का मतलब ही नहीं बनता। ओनरशिप मींस राइट्स टू यूज ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अब मालिक कौन बन गया, बायर बन गया। ओनरशिप के साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड, इंसिडेंट टू ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड, मतलब जितने भी ओनरशिप से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड है रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो भी ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अगर मैं जनरली देखूं तो जनरली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने किसी से कोई गुड्स खरीदे, उसमें वो आपको गुड्स दे दिए, अब उस गुड्स के मालिक कौन बन गए, आप बन गए। पैसे दिए हो या नहीं दिए हो, उसने क्या कर दिया, पेपर्स आपके नाम करे, आप मालिक बन गए। पैसे की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर, क्या करो ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए और साथ में रिस्क एंड रिवॉर्ड। जब आप मालिक बन गए तो आपकी मर्जी है, आप उसको फर्दर सेल करो, उसको तोड़ो फोड़ो, जो मर्जी करो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड फिर किसके पास आ गए, आपके पास आ गए। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दैट इज इंसिडेंट टू द ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो जनरली रिस्क एंड रिवॉर्ड किस पे ट्रांसफर होते हैं, ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सेप्शन है इस केस में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी। पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी इट मींस अगर बायर खुद ही डिलीवरी को पोस्टपोन करा रहा है, अगर बायर खुद ही डिलीवरी को क्या करा देता है, पोस्टपोन करा देता है, तो मान लिया जाता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ए एक सेलर है, एक सेलर है एंड बी इज बायर। ए ने सर क्या किया, ए ने गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी बी के पास, लेकिन अभी उसने गुड्स की डिलीवरी नहीं करी है, और ए के पास गुड्स क्या है, रेडी है, ए के पास गुड्स रेडी है टू डिलीवर, लेकिन बी ने मना कर दिया। बी ने बोला है, सर मेरे अभी गोडाउन में जगह नहीं है, तो आप गुड्स को अपने पास रखो, मैं अपनी मर्जी से कलेक्ट करा लूंगा। मुझे बताओ क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए? आंसर इज यस। क्यों रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, क्योंकि सर गुड्स आर रेडी टू डिलीवर, बी ने खुद रुकवाई है डिलीवरी, बी ने खुद डिलीवरी को क्या करा है, पोस्टपोन करा है, तो मान लिया जाएगा रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड। अब अगर गुड्स का कोई नुकसान होता है तो सर बी बियर करेगा, ए की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उस केस में। हाँ, अगर गुड्स रेडी नहीं होते तो हम ये बोलते हैं कि सर अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है जी, और थर्ड पॉइंट तो सर सेम रहेगा तीनों केस में, क्या, देर इज नो अनसर्टिनिटी एज टू द कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। की कंसिडरेशन अमाउंट से रिलेटेड या इसके कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अनसर्टिनिटी ना हो, मतलब देर इज सर्टिनिटी एज टू द कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन, मतलब जिसको भी आप गुड्स बेच रहे हो वो पर्सन कैपेबल होना चाहिए पैसे देने के लिए। बाद में अगर वो ना दे वो बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस टाइम आप बेच रहे हो और आपको पता है उसकी हालत खराब है, तो आप उस केस में उसको ये नहीं बोल सकते कि मैंने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना। ठीक है जी, दिस इज योर सेल ऑफ गुड्स का केस। दूसरा आता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर मैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की बात करूं, सर्विसेज रेंडर करना मतलब सर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कोई किसी को कंसल्टेंसी देता है, ये सब क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो अगर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो रही है उस केस में सर्विस प्रोवाइड, अच्छा रेवेन्यू किसका बनेगा, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेगा, सर्विस प्रोवाइडेड प्रोवाइडर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा वंस द सर्विसेज आर रेंडर्ड, वंस द सर्विसेज आर रेंडर्ड। एक सेकंड, वंस द सर्विसेज आर रेंडर्ड, अब सर्विसेज आर रेंडर वेदर होली और पार्शियली, चाहे पूरी सर्विसेज रेंडर हो जाए चाहे पार्शियली सर्विस रेंडर हो जाए, दोनों ही केस में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
अगर मैं बोलता हूं कि सर होली सर्विसेज, पूरी की पूरी सर्विसेज रेंडर हो गई हैं, परफॉर्म हो गई हैं, तो उसको बोलते हैं सर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड मतलब सर्विस प्रोवाइडर के पास ऑप्शन होता है कि वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए दो मेथड्स को फॉलो कर सकता है। एक होता है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड और एक होता है सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड में सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, जब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा। क्योंकि जैसे ही सर्विस परफॉर्म हुई, पूरी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन ही विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में क्या होता है कि सर जैसे जैसे सर्विसेज परफॉर्म होती जा रही है, जैसे जैसे एक स्टेज कंप्लीट हो जा रही है, उतने स्टेज का ही सर क्या करेंगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में लगने हैं 4 साल, 1 2 3 4, ये 4 साल लगने हैं। पहले साल में 25% कंप्लीट हुआ तो 25% रिकॉग्नाइज हुआ, फिर 25% हुआ, फिर 25%, फिर 25% हुआ, फिर 25% एंड फिर 25% हुआ, फिर 25%, मतलब 4 साल के एंड में पूरा 100% रिकॉग्नाइज होगा। दैट इज योर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अगर मैं इसी चीज को बोलूं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, तो सर 4 साल के एंड में 100% रिकॉग्नाइज होगा, दैट इज योर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो रेंडरिंग ऑफ हमने सर्विसेज में क्या देखा कि रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज वंस द सर्विसेज आर परफॉर्म वेदर होली और पार्शियली। उसमें दो मेथड्स है हमारे पास, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। और अगेन वही कंडीशन दोबारा आ जाएगी, क्या देर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू द कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन, कि कंसिडरेशन में और उसके कलेक्शन में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आप लर्न कर ले सर, हर आंसर में आपको ये पॉइंट तो लिखना ही लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो हमारा रेवेन्यू बनता है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी, इन तीनों में सर क्या बोला जाता है, इन तीनों में बोला जाएगा वंस द परफॉर्मेंस हैज बीन कंप्लीटेड, वंस द परफॉर्मेंस हैज बीन कंप्लीटेड। ये परफॉर्मेंस बेस्ड रेवेन्यू है, वंस द परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड। अगेन वही वाला पॉइंट दोबारा उठ के आएगा कि देर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू द कंसिडरेशन एंड कलेक्शन, वो तो रहेगा रहेगा। दूसरी चीज क्या, वंस द परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो सर इंटरेस्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा सर टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस मींस वंस द इंटरेस्ट इज ड्यू, इंटरेस्ट इज ड्यू। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने कहीं पर क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हर 6-6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है। लेट अस से हर 30 सितंबर और हर 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है। आप मुझे बताइए आप इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट की, आप हमेशा 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, भले ही वो मिला हो या ना मिला हो। अगर तो मिल गया तो सर एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन अगर नहीं मिला तो इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट एक्रू डेबिट टू इंटरेस्ट। मतलब टाइम बेसिस पे आपको क्या करना है सर, इंटरेस्ट को, इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, इंटरेस्ट के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है वंस द इंटरेस्ट इज ड्यू, ठीक है जी। डिविडेंड के केस में सर आता है, डिविडेंड के केस में देखेंगे वंस द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब आपके पास अधिकार आ गया है डिविडेंड मिलने का। अधिकार कब आता है, डिविडेंड मिलने का राइट कब आएगा, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हर साल के एंड पे कि भैया मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए, नहीं, वो तो कंपनी का डिसीजन है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या नहीं कर रही है। अगर तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपके पास पूरा पूरा राइट है डिविडेंड मिलने का, आप डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है तो आप कोई डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मैं बात ये नहीं कर रहा कि डिविडेंड आपको मिल ही जाना चाहिए, नहीं, जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया आप बोल सकते हैं एज अ शेयर होल्डर कि भैया मेरी इनकम हो गई है, मिलेगी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वो डिविडेंड एक्रूड रहेगा आपका, ठीक है जी। और रॉयल्टी के केस में सर रॉयल्टी हमेशा काम करती है एक एग्रीमेंट के बेस पे, तो वंस द कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, रॉयल्टी समझते हो सर, रॉयल्टी मींस फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेंट तैयार किया, मैंने एक बुक बनाई और बुक का कंटेंट तैयार किया और वो बुक का कंटेंट मैंने किसी पब्लिशर को दे दिया,
अब पब्लिशर क्या करेगा, मेरे कंटेंट को यूज करके बुक पब्लिश करेगा और मार्केट में बेचेगा। लेकिन मैं एज अ ऑथर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया कंटेंट तो मेरा है तो मुझे हर बुक के ऊपर कुछ ना कुछ क्या मिलनी चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए। तो वो मुझे क्या देगा, पब्लिशर क्या देगा, हर बुक पे कुछ ना कुछ रॉयल्टी पे करेगा। तो मैं रॉयल्टी की इनकम कब रिकॉर्ड करूंगा, जब कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी हूं। जैसे ही वो बुक बेचेगा मेरी इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन जैसे ही वो बुक सेल करेगा मेरी रॉयल्टी इनकम क्या हो जाएगी सर, एक्रू हो जाएगी और मैं रॉयल्टी इनकम को रिकॉर्ड कर सकता हूं एज माई रेवेन्यू। अगेन वही वाली चीज आ गई, देर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू द कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। क्लियर है सर, बताइए जी। ओके, ये हमारा एक छोटा सा एएस था, AS9। मैंने देखो ज्यादा डिटेल में इसको नहीं करवाया क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो अभी तो मैं आपको नोट्स वगैरह लिखाऊंगा, ये सिर्फ हमारी एक डेमो क्लास थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको समझाया, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा। एक इसमें रहती है हर एएस में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि क्या क्या AS9 के हिसाब से हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। तो सर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इसमें दो बनती है, एंटिटी की रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी कि एंटिटी का रेवेन्यू किस तरीके का है और वो किस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करती है, दैट इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। और अगर कोई एंटिटी ने मेजर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया, मेजर रेवेन्यू नॉट रिकॉग्नाइज, तो उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा, उसका कारण बताना पड़ेगा कि वाई मेजर रेवेन्यू हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज। ठीक है जी, तो ये हमारा है AS9। अब देखिए मैं एक बार फटाफट इसको समराइज कर देता हूं। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है सर, रेवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और तीसरा इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी। रिकॉग्निशन मींस टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू। तो AS9 हमें क्या बताएगा, वेन टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, कि कब हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, तीन केसेस में, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ सर्विसेज बोल सकते हैं उसे, और इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी। तीनों में एक कंडीशन कॉमन है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू द कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन, कि कंसिडरेशन अमाउंट में और उसके कलेक्शन में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अनसर्टेनिटी ना होने का मतलब सर्टेनिटी होनी चाहिए, रिवर्स करके दे रखा है AS में, तो मैं AS वाले वर्ड से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, सेल ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं तो सेल ऑफ गुड्स में कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, कि ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर, दूसरी चीज रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप इज ट्रांसफर, और रिस्क एंड रिवॉर्ड जनरली कब ट्रांसफर होते हैं, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। अगर बायर ने खुद ही डिलीवरी को क्या करा रखा है, पोस्टपोन करा रखा है, तो हम मान के चलेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर। ठीक है जी, और तीसरी कंडीशन वही वाली सेम है, अनसर्टेनिटी वाली। सेल ऑफ सर्विसेज के केस में रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज वंस द सर्विसेज आर रेंडर्ड या सर्विसेज आर परफॉर्म्ड वेदर होली और पार्शियली। इसमें क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के पास दो मेथड है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड और परसेंटेज कंप्लीटेशन मेथड। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड क्या कहता है, जब सर्विसेज पूरी कंप्लीट हो जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। परसेंटेज कंप्लीशन क्या कहता है कि जितना जितना परसेंटेज रेवेन्यू परफॉर्म होता रहे, जितना जितना परसेंटेज सॉरी सर्विसेज परफॉर्म होती रहे, तो प्रोवाइडर क्या करेगा सर, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करता चला जाएगा। ठीक है जी, तीसरा था इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ऑन टाइम बेसिस, मतलब जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है आप अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो, मिला हो ना मिला हो वो बात की बात है। डिविडेंड के केस में वंस द राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश, मतलब जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, यू एज अ श्योर होल्डर कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। रॉयल्टी के केस में वंस द कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द रॉयल्टी एग्रीमेंट हैव बीन फुलफिल्ड, अगर कंडीशन पूरी हो गई तो रॉयल्टी इनकम को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तीनों ही सारे केस में मैं पैसे की कोई बात नहीं करी, पैसा आना ना आना सर ये बात की बात है, क्योंकि हम सारा AS9 जो है ये एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग चलती ही सर एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से है। ठीक है जी, तो कैश आए या ना ये बात की बात है, कैश आ जाए या कैश मिलने का राइट भी आ जाए, आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि मेरी इनकम हो गई है। ठीक है जी, तो ये हमारी एक डेमो क्लास थी विद रिस्पेक्ट टू AS9, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपनी बुक दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से कंपाइल किया है, तो एक मिनट का टाइम दीजिए और मैं आपको अपनी बुक दिखाता हूं। देखिए जी, जो मैंने आपके लिए कंपाइलेशन तैयार करी है वो कुछ इस तरीके से है, वेट फॉर अ सेकेंड। लेट इट ओपन, थोड़ी हैवी फाइल है, हो जाएगी ओपन, एक मिनट।
ये देखिए जी, ये आपकी कंपाइलेशन है, कंपाइलेशन ऑन एडवांस अकाउंटिंग फॉर सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स। ये देखिए जी, ये मैंने क्या, देखिए मैंने खुद ही बता रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि कंपाइलेशन में मैंने क्या किया है, इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस डाले हैं, स्टडी मटेरियल के, पास्ट एग्जाम्स के, आरटीपी के, मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये कंपाइलेशन मैंने तैयार करी है, ये मैंने पहले सिलेबस डाल दिया, उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज इसका दे रखा डेवलपमेंट, ये चैप्टर दे रखे आपके, आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, ये सब आपके क्या हैं सर, चैप्टर्स हैं, इसमें थोड़ी सी अपडेशन मैं कर ही रहा था अभी। ये देखिए, ये आपके चैप्टर है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये आपके चैप्टर्स है, इतने आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल 22 चैप्टर्स हैं, जिसका मैंने अभी आपको इंडेक्स बताया था किस तरीके से हमारे कौन कौन चैप्टर है, पहले ए एस डाले सारे, उसके बाद सर सारे आपके चैप्टर्स हो गए। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन की भरमार है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ये देखिए जी, ये ए एस 5 हो गया, ये इसके क्वेश्चन हो गए, ए एस 7 हो गया, इसके क्वेश्चन हो गए, और देख लेते कोई प्रैक्टिकल चैप्टर क्या आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा कौन सा चैप्टर है, आई थिंक ये अमेलगमेशन का चैप्टर है, तो अमेलगमेशन के क्वेश्चन हो गए, सॉरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चन, मतलब आपको पूरी कवरेज मिलेगी इस बुक के अलावा, आपको कोई भी किताब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लेटेस्ट जो आरटीपी आएगी आपके अटेम्प्ट की, वो मैं आपको पहले ही एग्जाम से पहले ही जब भी आएगी आपको इमीडिएटली सॉल्व करके दे दूंगा, तो उसकी गारंटी मेरी, मैं खुद लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है सर, कंपाइलेशन है। चलिए, अब अगर तो आपको सर झूठ नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अगर आपको क्लासेस सब्सक्राइब करनी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अपनी खुद की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, क्लासेस कहां पर रहेगी, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, फेस टू फेस क्लासेस है, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ सर मैं ऑडिटिंग का भी अभी कुछ टाइम बाद डेमो क्लास निकालूंगा, तो ऑडिटिंग और एडवांस अकाउंटिंग का मैं कॉम्बो तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जहां तक मेरे से हो जाएगा सर कॉम्बो करके मैं आपको कॉम्बो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कॉम्बो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंडिविजुअल सिर्फ एडवांस अकाउंट्स लेना है, एडवांस अकाउंट्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों ऑप्शंस आपका है, ठीक है सर। चलिए फिर, तो आई होप ये पसंद आई होगी, तो सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।